विभिन्न कहानियों, अभिनेताओं, बाल कलाकारों आदि पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे और हर साल प्रस्तुत किए जाते हैं। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस साल मार्च में होने थे, लेकिन महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए। और 25 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए थे। इस समारोह में कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। ज्यूरी ने फीचर श्रेणी में 461 फिल्मों और शॉर्ट श्रेणी में 220 फिल्मों में से चुनाव किया। कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुरस्कार प्रदान किए। अब मैं आपको प्रस्तुत किए गए पुरस्कारों के बारे में बताता हूं। कंगना रनौत को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी और पंगा में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। जब वह पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गई तो उन्होंने एक पारंपरिक साड़ी पहनी हुई थी, बाल बंधे हुए थे। वह पहली बार पुरस्कार नहीं जीत रही है, वह 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। उन्होंने पहले फैशन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, और क्वीन और तनु वेज मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। अब उन्होंने मणिकर्णिका के लिए 4th राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मनोज बाजपेयी को भोसले में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। हालांकि जजों को फिल्म असुरन के लिए उनके और तमिल अभिनेता धनुष के बीच चयन करने में मुश्किल हुई। इसी वजह से इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। जब धनुष पुरस्कार लेने गए तो उन्होंने एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय वेष्टी पहनी हुई थी। क्षेत्रीय भाषाओं में असुरन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार जीता और जर्सी ने सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार जीता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक अभिनेता को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। रजनीकांत अपने परिवार के सदस्यों जैसे दामाद धनुष और बेटी ऐश्वर्या आर धनुष के साथ थे।